हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगर आप 2023 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है, इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का पोजीशन निकाला गया है, जिसके अंदर आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईटी कर रखा है या फिर जिनका 2023 में आईटी कंप्लीट होने वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जेईटी का पोजीशन देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का, जिसके लिए अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच के अंदर तो आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ओनली फॉर बीबीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है 2023 में करने वाले हैं या 2023 से पहले कर चुके हैं तो आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगी और ऑल ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। एक रुपये भी आपको यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि जो फॉर्म रहेगा आपका फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा डायरेक्टली आपका यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, देन फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। फाइनली आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी और सैलरी भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इवन इसमें आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा और आपका सीटीसी क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 1000+ आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना बिना कंजूसी के। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक की है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपये भी आपको पे नहीं करना, बस इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उससे आपको पता रहेगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा टाटा मेटालिक लिमिटेड की तरफ से, यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया और टाटा मेटालिक यहाँ पे टाटा स्टील का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म को आपको फिल करना है, कुछ स्टेप्स के अंदर आपको फिल करना रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका कैंडिडेट डिटेल का, तो आपको अपनी डिटेल को यहाँ पे डालना है। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि पोजीशन अप्लाई फॉर, यहाँ पे बॉक्स दे रखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है उसको आपको मैंडेटरी रहेगा उसको फिल करना पड़ेगा, और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, देख पा रहे मिडिल नेम के अंदर नहीं है और लास्ट नेम के आगे नहीं है, तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन अप्लाई फॉर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा यहाँ पे फ्रेशर के लिए, दूसरा मिलेगा एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं या 2023 से पहले पास आउट हो चुके हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वही अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1-2 साल का तो आप यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे मैंने फ्रेशर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है।
देन फिर आएगा आपका फर्स्ट नेम तो डाल देना है, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप अपने DOB डालिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज आ जाएगी और जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाएगा और यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी कौन सी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कम्युनिटी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन फिर पूछा गया यहाँ पे अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि ईमेल एड्रेस क्या है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा और वही ईमेल एड्रेस डालिएगा जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, साथ ही साथ यहाँ पे फर्दर जो फॉर्म भरने के बाद कम्युनिकेशन होगा कंपनी की तरफ से आपको वो इसी ईमेल एड्रेस पे होगा, तो ध्यानपूर्वक ईमेल एड्रेस डालिएगा। देन फिर यहाँ पे पूछा गया कि अल्टरनेट ईमेल एड्रेस उसके बारे में, तो आप अपना दूसरा ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर है दूसरा सिम कार्ड है तो उसका डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप डाल दीजिएगा, फादर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका वैलिड फोटो आईडी का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, वोटर आईडी का, और यहाँ पे पूछा गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस का। तो मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आईडी नंबर के आधार कार्ड का नंबर आपको डाल सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आता है कि आप इनके द्वारा जो असेसमेंट होगा वो आप कौन सी डिवाइस पे देना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे लैपटॉप पे दे सकते हैं, कंप्यूटर पे दे सकते हैं, टैबलेट पे दे सकते हैं, जिसमें भी देना चाहें उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर आता है यहाँ पे आप अपने एड्रेस को मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, नॉर्मल सी बात है आप अपने एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं, स्टेट आपका सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ऊपर जो फिल किया है नीचे वहाँ पे वापस से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको आप अगर अलग है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि लेवल एजुकेशन बोर्ड का क्या नाम है, पासिंग ईयर क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, स्कूल कॉलेज का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 10th कर रखा है उसको फिल कर दीजिएगा, हर बच्चे ने 10th कर रखा होगा। उसके बाद अगर आपने IT कर रखा है तो आप IT वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो बच्चे जो यहाँ पे 2023 के अंदर पास आउट होने वाला है तो लास्ट सेमेस्टर का जितना भी मार्कशीट है उस मार्कशीट को यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, उसके एग्रीगेट मार्क्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 12th कर रखा है और यहाँ पे आपने यहाँ BB Tech कर रखा है तो इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने 10th कर रखा है उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने कर रखा है उसको आप यहाँ पे नॉर्मली फिल कर दीजिएगा, नॉर्मल सी बात यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे पूछा गया एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस और नो में आंसर कर दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन दे रखा है, अगर है तो यस वाला ऑप्शन दे रखा है। अब मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे मैंने नो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। देन फिर आता है यहाँ पे कि अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो फॉर्मेट अपलोड करना है वो आप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करनी है वो JPG और JPEG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है, जो आपकी फोटोग्राफ रहेगी यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा स्टेप फर्स्ट के अंदर। देन फिर यहाँ पे बोल रखा है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि रहेगा PDF फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, PDF फॉर्मेट में ही रहेगा, JPG में अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ 3 MB से कम का रहेगा तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है आपका 10वीं का मार्कशीट। देन फिर पूछा गया यहाँ पे कि आपने अगर BB Tech कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, IT कर रखा है तो उसके जो फाइनल ईयर तक की मार्कशीट है उसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप 2023 में पास आउट होने वाला है, लाइक आप यहाँ पे BB Tech किए हुए हैं, 2023 में पास आउट होने वाला है, तो आपका जो 7th सेमेस्टर तक जितना भी मार्कशीट है उसको एक सिंगल PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और 2023 में पास आउट होने वाला है तो 5th सेमेस्टर तक जितना भी मार्कशीट है उसको एक सिंगल PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 3 MB से कम का होना चाहिए। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अपने टोटल जितनी भी मार्कशीट है उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। देन फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे आईडी प्रूफ का, तो यहाँ पे आपको अपने आईडी प्रूफ को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का,
तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा। देन फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अपलोड रिज्यूम का, तो आप अपने रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रिज्यूम होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डॉक की फॉर्मेट में अगर होगा या डॉक्स की फॉर्मेट में होगा तो अपलोड नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है 3 MB से कम का होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा गया कैप्चर कोड दे रखा है, उस कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू करके इसको फाइनली सबमिट कर देना है। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रांच और ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।